Hello everyone, welcome to Law School. I am Srishti. Now in this class we will discuss about the concept of will or wasiyat under Muslim law. So the following headings I will be covering in this lecture. First is meaning of will. मीनिंग डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है. तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ विल, विल का क्या मतलब होता है, वेरियस एसेंशियल्स ऑफ विल. थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ मुस्लिम टू मेक अ विल. दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एज टू क्वांटम एंड एज टू हु कैन बी अ लेगेटी. एंड लास्ट वी विल डिस्कस रिवोकेशन ऑफ विल, विल कैसे रिवोक की जा सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट है थ्री मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी किन किन तरह से ट्रांसफर की जा सकती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट में भी लगेगा. तो इसको जानने के लिए हम लोग को देखना है कि द थ्री मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज देमसेल्व्स, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. एक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब टू पार्टीज who are living or in existence at the time of the transfer, they transfer the property with each other. एक ने transfer की property and दूसरे ने उसको ले लिया. तो ये by the act of the parties है. इसमें important चीज़ ये है कि the both the parties are living at the time of the transfer. इस transfer को कहते हैं transfer inter vivos. Example sale या lease. Sale में seller sell कर रहा है property को and buyer is buying that property. दूसरा है by the operation of law. अब ये दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसफर है जिसमें ये इट इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर. टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऐसा ट्रांसफर होता है वेयर द पर्सन इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. कोई इंस्ट्रूमेंट बनाकर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है. एग्जाम्पल है इसका विल जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले. दूसरा है नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर वेयर द पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट मेकिंग एनी विल, देन द रूल्स ऑफ सक्सेशन विच आर लेड डाउन इन वेरियस लॉज दे आर अप्लाइड. तो टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऐसा होता है जिसमें पर्सन मेक्स अ विल और एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ही इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी एंड दिस विल और इंस्ट्रूमेंट कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु इज मेकिंग द विल. एंड अगर ही डाइज विदाउट मेकिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और विल देन रूल्स ऑफ सक्सेशन से उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उसके हेयर्स पे. लास्ट है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो जिस जिस व्यक्ति को ऑर्डर किया तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी. तो ये थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है. अब हम लोग पढ़ रहे हैं विल विच इज टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ विल. विल यानी वसीयत अंडर मुस्लिम लॉ, इसका मतलब क्या होता है. विल इज एनी टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट से इंसान अपनी प्रॉपर्टी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर रहा है. सेकेंड इट इज़ अ ग्रैटिट्यूस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ग्रैटिट्यूस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर विदाउट एनी कंसिडरेशन. जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे रहा है ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इसका एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट है. गिफ्ट में भी हम लोग किसी को अपना गिफ्ट देते हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. थर्ड है इट कम्स इनटू इफेक्ट ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. जो पर्सन विल बना रहा है उसकी डेथ के बाद ही दैट विल कम इनटू इफेक्ट. तो ये तीन मतलब है. इट इज़ अ टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज़ ग्रैटिट्यूस दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, एंड विल कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. The person who makes the will is called the legator or the testator, and the person in whose favor the will is made, जिसके favor will बनाई जा रही है, he is called a legatee. Second topic जो हम लोग discuss करेंगे are the essentials of will. हम लोग देखा meaning of will, it is a testamentary transfer of property which is gratuitous in nature. It comes into effect on the death of the person making it, that is the death of the legator. तो हम लोग देखेंगे essentials क्या हैं in order to make a valid will. First is the parties must be competent. Both parties, that is legator and legatee, competent होना चाहिए. क्या competency के criteria है वो हम लोग further discuss करेंगे. Second, free consent. Legator जो अपनी will बना रहा है he should make it with free consent. उसमें coercion, force या fraud out नहीं use होना चाहिए. And legatee जो property accept कर रहा है उसकी भी वहाँ free consent होनी चाहिए. Third is formalities. The requisite formalities must be complied with. अब हम लोग discuss करेंगे कि formalities क्या क्या है. फोर्थ है प्रॉपर्टी मस्ट बी इक्विटेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इक्विटेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. अब इक्विटेबल प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. लास्ट इज लेगेटर मस्ट पोजेस टेस्टामेंट्री राइट. लेगेटर के पास राइट होना चाहिए टू मेक अ विल. ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मस्ट हैव द राइट टू मेक अ विल. फर्स्ट एसेंशियल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. द पार्टीज द लेगेटर द पर्सन हु इज मेकिंग द विल एंड द लेगेटी द पर्सन हुज फेवर द विल इज मेड बोथ मस्ट बी कॉम्पिटेंट.
अब कॉम्पिटेंसी के क्या क्राइटेरिया है, फर्स्ट इज द लेगेटर जो होता है ही शुड बी अ मुस्लिम एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द विल, जब वो विल बना रहा है तब उस समय वो मुस्लिम होना चाहिए. सेकेंड इज साउंड माइंड का होना चाहिए एंड थर्ड इज ही शुड बी द एज ऑफ मेजॉरिटी हियर 18 ईयर्स. तो ये तीनों क्राइटेरिया है लेगेटर के लिए. ही शुड बी मुस्लिम एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द विल. डेथ के समय जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, बट एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द विल ही शुड बी मुस्लिम. ना इसका एक्सेप्शन जो है, फर्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन सुन्नी लॉ में, सुन्नी लॉ में ये है कि वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द विल तो मुस्लिम हो ही, एट द टाइम ऑफ डेथ भी वो मुस्लिम ही होना चाहिए. तो ये एक्सेप्शन सुन्नी लॉ में दिया हुआ है. लेगेटी होने के क्या क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं. लेगेटी कैन बी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, एज, सेक्स और हिज कैपेसिटी ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, ही कैन बी अ लेगेटी. The only requirement is that he should be capable of holding the property and he should be in existence at the time of legator's death. Legator ke death ke samay legatee existence mein aa jana chahiye. So hum log ne first essential dekha, that is competency of the parties. Hum log ne dekha ki legator and the legatee must be competent. Legator matlab jo will bana raha hai, he should be of the age of majority, sound mind and Muslim at the time of making the will. और लेगेटी जो है वो ही कैन बी एनी पर्सन, प्रोवाइडेड दो कंडीशंस है, ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ लेगेटर्स डेथ और ही मस्ट बी केपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी. ये हम लोग ने देखा. अब दो सिचुएशंस और हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज अ चाइल्ड इन मदर्स वूम. हम लोग ने पढ़ा कि जो लेगेटी है जिसके लिए विल बनाई जा रही है, ही मस्ट कम इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ लेगेटर्स डेथ. तो क्या जो चाइल्ड मदर के वूम में है वो लेगेटी हो सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर है कि दो कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. पहला है कि लेगेटर की डेथ के समय, जो विल बनाया है इंसान उसके डेथ के समय, ये जो चाइल्ड है मदर के वूम में एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, आ जाना चाहिए. और दूसरी कंडीशन है कि वो ही शुड बी बॉर्न अलाइव विद इन 6 months ऑफ लेगेटर्स डेथ. लेगेटर की डेथ के 6 महीने के अंदर अंदर ये जो चाइल्ड है मदर के वूम में है ये बॉर्न हो जाना चाहिए, इसके बर्थ हो जानी चाहिए. तो अगर 6 महीने के अंदर ही अंदर वो मर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है या फिर मिसकैरेज हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी विल की नहीं मिलेगी. तो ये दोनों कंडीशंस है चाइल्ड इन मदर्स वूम के लिए. दूसरा है मर्डरर ऑफ लेगेटर. लेगेटर ने एक विल बनाई लेगेटी के लिए, अब वही लेगेटी अगर लेगेटर का मर्डर कर दे तो क्या होगा? उस लेगेटी को विल मिलेगी कि प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसमें शी और सुन्नी लॉ में दोनों में अलग अलग है. सुन्नी लॉ में अगर लेगेटी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों में किसी भी तरह से लेगेटर की डेथ कॉज कर दी है तो वो सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो सुन्नी लॉ में अगर लेगेटी कॉजेज द डेथ ऑफ द लेगेटर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दोनों सिचुएशन में ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम गेटिंग द प्रॉपर्टी थ्रू विल. शिया लॉ में अलग अलग है. शिया लॉ में अगर इंटेंशनली उसने मर्डर कर दिया है लेगेटर का तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बट अगर नेग्लिजेंटली या अनइंटेंशनली मर्डर हो गया उससे गलती से लेगेटर का, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी. अब हम लोग सेकेंड एसेंशियल डिस्कस करेंगे. सेकेंड एसेंशियल है फ्री कंसेंट. पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए. लेगेटर की कंसेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द विल, जब वो विल बना रहा है तो लेगेटर की जो कंसेंट है फ्री होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन. और अगर लेगेटर की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है देन द विल वुड बी वॉइड. अगर लेगेटी की कंसेंट हम लोग देखें तो जब लेगेटर विल बना चुका होता है आफ्टर लेगेटर्स डेथ, जब बारी आती है कि विल टू टेक इट्स इफेक्ट, देन लेगेटी की कंसेंट फ्री होनी चाहिए. ही शुड एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी विद हिज फ्री कंसेंट. अगर लेगेटी ने प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया है विद हिज फ्री कंसेंट, देन नो प्रॉपर्टी वुड बी गिवन टू हिम. सो हम लोग देखा कि दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है इट शुड बी अ फ्री कंसेंट. लेगेटर की कंसेंट फ्री होनी चाहिए एट द टाइम व्हेन ही इज मेकिंग द विल. अगर नहीं कंसेंट फ्री है देन द विल बिकम वॉइड. लेगेटिव कंसेंट जो होती है इट शुड बी अ फ्री कंसेंट एट द टाइम व्हेन ही इज एक्सेप्टिंग द प्रॉपर्टी. जब लेगेटर की डेथ हो जाती है देन लेगेटी नीड्स टू एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी. अगर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रॉपर्टी लेगेटीज कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, देन नो प्रॉपर्टी वुड बी गिवन टू हिम. अभी तक हम लोगों ने दो एसेंशियल्स देखे ऑफ मेकिंग अ वैलिड विल. फर्स्ट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज एंड सेकेंड इज द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड रिक्वायरमेंट इज द रिक्विजिट फॉर्मैलिटीज. क्या क्या फॉर्मैलिटीज हैं इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड विल. सो एज सच कोई स्पेसिफिक फॉर्मैलिटीज नहीं है. विल कैन बी मेड ओरली और इन राइटिंग. और अगर विल इज मेड इन राइटिंग देन नो रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड. द ओनली रिक्वायरमेंट है कि दैट इट शुड शो द इंटेंशन ऑफ द लेगेटर टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू द लेगेटी बाय वे ऑफ एन ऑफ अ विल.
तो फिर से अगर हम लोग डिस्कस करें कि कोई एसेंशियल ऐसी रिक्विजिट फॉर्मेलिटी नहीं है कि जो कंप्लाइन करने के हो, ओरली भी बन सकती है विल और राइटिंग में भी बन सकती है. अगर राइटिंग में है तो रजिस्ट्रेशन अटेस्टेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है. ओनली रिक्वायरमेंट यही है कि विल में क्लियरली डिक्लेरेशन किया गया हो, उसमें इंटेंशन दिखाया जा रहा हो लेगेटर का कि वो अपनी प्रॉपर्टी लेगेटी को देना चाहता है. फोर्थ जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल. क्या कौन सी प्रॉपर्टी है विच द लेगेटर कैन गिव बाय वे ऑफ अ विल. तो इट शुड बी अबिक्विटेबल प्रॉपर्टी. हम लोग डिस्कस करेंगे अबिक्विटेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है. प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती हैं, टैंजिबल इनटैंजिबल. तो कोई भी प्रॉपर्टी टैंजिबल हो या इट इज केपेबल ऑफ बीइंग टच्ड या सीन, या इनटैंजिबल हो जो दिखती भी नहीं है. तो मूवेबल इमूवेबल कोई भी तरह की प्रॉपर्टी एक इंसान लेगेटर लेगेटी को विल के तौर पर दे सकता है. एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है. पहला है कि द लेगेटर शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. लेगेटर जो इंसान विल बना रहा है वो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. दूसरा है कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ लेगेटर्स डेथ. जब लेगेटर की डेथ हो रही है तो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए. लास्ट है प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ट्रांसफर की जा सके, ऐसी नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. तो ये थ्री रिक्वायरमेंट्स है प्रॉपर्टी की जो फुलफिल होनी चाहिए. एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल में कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, टैंजिबल इनटैंजिबल मूवेबल इमूवेबल, बट ये थ्री रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए. दैट इज द लेगेटर शुड बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी. लेगेटर उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लेगेटर्स डेथ. और लास्ट है प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए. तो लास्ट एसेंशियल है To make a valid will is that the legator must possess the testamentary right. Legator के पास right होना चाहिए in order to make a will. Now इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, restriction on the power of the Muslim to make will. दो तरह की restrictions लाई गई हैं in power of the Muslim to make a will. तो first is as to quantum. As to quantum का मतलब है कितनी quantity of the property a person can give by way of will to another person. तो restriction as to quantum है, कुछ specified quantity of the property ही दे सकता है. लेगेटर अपनी पूरी प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ विल दूसरे इंसान को नहीं दे सकता है. अभी कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है, क्या उससे माइनस किया जाता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स है, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में. दूसरा रिस्ट्रिक्शन एज टू हु कैन बी अ लेगेटी. लेगेटी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है. और इसमें कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएगा, कैन स्ट्रेंजर बी अ लेगेटी, कैन एयर बी अ लेगेटी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज पार्ट वन ऑफ विल, वेयर वी डिस्कस द मीनिंग एसेंशियल्स ऑफ विल. एंड ब्रीफली हम लोग ने ये भी डिस्कस करा कि थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ मुस्लिम टू मेक अ विल, जिसमें दो तरह के रिस्ट्रिक्शन, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एज टू क्वांटम एंड एज टू हु कैन बी अ लेगेटी. वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करके इससे एग्जाम्पल से भी समझेंगे. और आखिरी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिवोकेशन ऑफ विल, यानी विल कैसे रिवोक कर सकता है एक मुस्लिम. So that was all for today. I will see you next class. Thank you.